हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा कैनवस, और हम जहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं अपना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल, और हम जहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे और हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ, इसे हम सेंटर में करते हैं, और अब मैं इसे कॉपी करूंगी। तो हम इसे नीचे रखते हैं और ये ऐसे, तो मैं फिर से इसकी कॉपी करूंगी। तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल जे, एंड इसे हम यहाँ से रोटेट करते हैं। परफेक्ट, इन तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं, सेंटर में लेके आते हैं, और इन तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं और इनको हम कर देंगे मर्ज। राइट क्लिक करेंगे एंड मर्ज शेप, और अब हम फिर से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक न्यू लेयर ले लेते हैं, इससे कलर चेंज करेंगे, तो लेते हैं रेड। कंट्रोल टी, राइट क्लिक करेंगे एंड करेंगे पर्सपेक्टिव, और इसे यहाँ से ऐसे करते हैं। अगेन राइट क्लिक एंड डिशॉर्ट, इसे हम थोड़ा कम करेंगे एंड ओके। फिर से इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल टी, और यहाँ से हम इसे करेंगे वर्टिकल। देन फिर से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे। इसका कलर पहले चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता लगे। साइज से हम करते हैं कंट्रोल टी, राइट क्लिक करेंगे एंड पर्सपेक्टिव, और इसे हम करते हैं ऐसे। एंड देन हम बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड सॉलिड कलर, और यहाँ से हम लेते हैं थोड़ा ब्राइट ओके। देन हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे एंड रेक्टेंगल टूल, कलर चेंज करते हैं। अगेन हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक शेप ड्रॉ करते हैं, और इसके कलर को हम चेंज करते हैं। तो हम लेंगे थोड़ा ब्राइट, कंट्रोल टी करते हैं एंड राइट क्लिक करेंगे एंड पर्सपेक्टिव, अगेन राइट क्लिक एंड डिसॉर्ट, फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं और ऐसे। डार्क कलर, इसे ऐसे टिल्ड करते हैं और यहाँ परफेक्ट। और अब हम इसमें करेंगे शेडो एंड लाइट इफेक्ट, तो उसके लिए पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं, और अब हमने क्या करना है, फिर से हम इसे कॉपी करते हैं और इसे साइज को कम करेंगे ऐसे। इसके कलर हम चेंज करते हैं वाइट, देन हम राइट क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं आउटर ग्लो, और यहाँ से हमने जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा ओपेसिटी फुल रहेगा, नॉइस हमारा 0 है, और यहाँ से हम रखेंगे सॉफ्टन, स्प्रेड हमारा 0 है, और जो साइज है हमने 24 कर रखा है। आप अपने हिसाब से देखिए आपको कम ज़्यादा कैसे कितने पर रखना है, तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ 18 एंड ओके। देन अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये वाला लेयर है हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिप मास्क, ब्रश टू सेलेक्ट करते हैं, और हमारा वाइट कलर सिलेक्टेड होना चाहिए, और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऐसे, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। इससे साइज को कम करेंगे परफेक्ट, और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, ब्रश टू सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डार्क कलर, और हम यहाँ पे साइड से अप्लाई करते हैं ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल लुक देख सकें ऐसे।
एंड देन हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और इस बार हम सिलेक्ट करते हैं व्हाइट कलर, ओपेसिटी हमारी कम है और हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट डालेंगे नीचे की तरफ ऐसे, साइज इंक्रीज करते हैं एंड ओके। देन हम इस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग वन, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐसे एक न्यू लेयर लेते हैं। और अब हम फिर से डार्क करेंगे थोड़ा सा साइड से, कॉर्नर पे हमने डार्क अप्लाई करना है ऐसे, ओपेसिटी इंक्रीज करेंगे एंड ओके नीचे से भी। इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मैप, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं एंड वाइट कलर, परफेक्ट। देन हम इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मैप, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं, फिर से इसे कॉपी करेंगे, ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं इसका ओवरले एंड ओके। देन इसे सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और सेंटर में ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले, और नीचे हमें थोड़ा सा शेडो डालना है तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो, कैपेसिटी फुल करते हैं और साइज हम कम करेंगे, डिस्टेंस भी कम करते हैं 2 एंड साइज हमारा है 5 एंड ओके। राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट लेयर्स ओके, देन हम लेयर मार्क्स ऐड करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, ओपेसिटी फुल करते हैं और यहाँ से इरेज करते हैं। और अब हम एक न्यू लेयर लेते हैं, रेक्टेंगल मार्कर टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, इसमें हम फिल करेंगे व्हाइट कलर, तो कंट्रोल बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड गो टू फिल्टर एंड गॉजियन ब्लर, रेडियस हम कम करते हैं एंड ओके, ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं इसका ओवरले, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और जहाँ से हम थोड़ा कम करेंगे इसकी ओपेसिटी, परफेक्ट। और इन सभी को हम करते हैं ग्रुप, ओके। देन हम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लेते हैं ब्राइट कलर, जिसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओपेसिटी कम करते हैं, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, व्हाइट कलर सेलेक्ट करते हैं, इसके ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करेंगे ओवरले, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल मार्कर टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आएंगे, यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं,
एडजस्टमेंट टाइगर पे जाएंगे अनसॉलिड कलर, और यहाँ से हम लेंगे डार्क। ओके, और इसके कलर को भी हम चेंज करते हैं, थोड़ा ब्राइट रखेंगे। और अब हमें इसके नीचे बनाना है शेडो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो और साइज इंक्रीज कर देंगे एंड ओके। राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट लेयर्स, ओके, रेक्टेंगल मार्कर टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे सिलेक्शन, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे, डबल क्लिक ऑन द लेयर मार्क्स और यहाँ पे हम फिटर इंक्रीज कर देंगे एंड देन हम एक न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे सिलेक्शन, इसमें हम फिल करते हैं डार्क कलर, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड गो टू फिल्टर ब्लर एंड गॉजियन ब्लर। ऑल्ट होल्ड करेंगे एंड लेयर मार्क्स ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करते हैं ओपेसिटी कम करते हैं, और अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिप मार्क, ब्रश टू सिलेक्ट करते हैं और हमारा यहाँ से रहेगा व्हाइट कलर, और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ओपेसिटी कम करते हैं, ब्लेंडिंग मोड अप करते हैं इसका सॉफ्ट लाइट, देन हम फेसेस की कॉपी करते हैं इसे सेलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल और नीचे भी परफेक्ट, ओपेसिटी कम करते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई वॉल नहीं है और जो लाइट का इफेक्ट है वो यहाँ पे भी आना चाहिए एंड साइड पे भी यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो इसके लिए हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे एंड डार्क तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओपेसिटी कम करते हैं, परफेक्ट। कम कर लेते हैं ग्रुप, देन हम यहाँ पे आते हैं और अपने प्रोडक्ट को करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसे हम यहाँ पे रखते हैं, परफेक्ट। और अब हम इसके नीचे बनाएंगे एक शेडो, तो इसके लिए लेंगे एक न्यू लेयर, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी फुल करते हैं एंड ब्लैक कलर, फिर से हम इसे कॉपी करेंगे, एक लेयर को सेलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, परफेक्ट। देन हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे फिल, और यहाँ से हमारा होना चाहिए 50% ग्रे एंड ओके, ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं डोज टूल, और यहाँ पे हमें जैसे जो लाइट का इफेक्ट है वो यहाँ से आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाले पार्ट है वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऐसे, हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये जो चीज है वो हमारे नीचे की तरफ हो जा रहा है और ये हमारा ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट। और अब हम डोज टूल सेलेक्ट, सॉरी बर्न टूल सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ऐसे अप्लाई करेंगे,
परफेक्ट। और अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिप में, ब्रश टू सिलेक्ट करते हैं एंड वाइट कलर। तो अब हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई करते हैं। ओके, और अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड कर्व, तो यहाँ पे हम कलर्स थोड़ा चेंज करते हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे एंड ओके। इसे सिलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं हम ग्रुप। और अब हम यहाँ पे आएंगे और इसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, साइज इंक्रीज करते हैं, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर, यहाँ से करते हैं क्लिपिंग मार्क और डार्कनेस इंक्रीज करेंगे ब्रश टू सिलेक्ट करते हैं, और यहां से हम इसे करेंगे ब्राइट, फिल्टर पे जाएंगे एंड यहां से करते हैं हम गॉजियन ब्लर, रेडियस इंक्रीज करते हैं, फिर से इसे कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, गॉजियन ब्लर इंक्रीज करेंगे परफेक्ट। हम थोड़ा साइड में करते हैं, और इन सभी को अब हम करेंगे मर्ज, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर, और यहाँ से हम लाइटिंग थोड़ा इंक्रीज करते हैं, कंट्रास्ट इंक्रीज करेंगे ओके। एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड कलर बैलेंस, तो यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं कुछ, आप अपने हिसाब से करके देखिएगा कि कैसा अच्छा लग रहा है। आई होप आप सभी को मेरा आज का ये डिजाइन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज लाइक करना मत भूलना, बाय बाय।